हाय गाइस, आज है शेगांव में तीसरा दिन। जिस काम के लिए मैं शेगांव आया था, मेरे दोस्त की शादी के लिए, उसकी शादी हो चुकी है, उसी के साथ मैं अजिंठा केव्स और आनंदेश्वर टेंपल भी घूम चुका हूँ। अब यहाँ के सबसे मेन टेंपल संत श्री गजानन महाराज के टेंपल जाना बाकी था, तो अभी मैं निकल रहा हूँ संत श्री गजानन महाराज टेंपल के लिए। तो मंदिर में जाने के लिए मैंने मेरे दोस्त अभिषेक की गाड़ी ली है, ये गाड़ी है, और मैं जा रहा हूँ अपने रूममेट संकेत भाई के साथ। लेट्स गो। तो स्कूटी पार्किंग में लगाकर मैं जा रहा हूँ मंदिर की ओर, और हाँ, पार्किंग निःशुल्क है। और ये है भक्ति निवास संकुल, जहाँ पे यहाँ आने वाले पिलग्रिम्स का बहुत ही कम पैसों में रहने की सुविधा दी जाती है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। किसी होटल से तो अच्छा ही है। और रास्ते में जाते जाते ये भैया अचानक आए और टीका लगा दिए, जिससे चंदन की खुशबू आ रही थी। फिर क्या, हम दोनों ने टीका लगाया और आगे निकल पड़े। ये रास्ते में कुछ लोकल शॉप्स है जहाँ से आप पूजा की सामग्री ले सकते हैं। और ये है संत श्री गजानन महाराज टेंपल का मुख्य द्वार, जहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ। मंदिर के सभागृह में यहाँ पे आपको यहाँ पे सैंडल और शूज निकालने के लिए जगह है, जहाँ पे आप सैंडल और शूज निकाल सकते हैं। तो मेन टेंपल में जाने से पहले प्रीमाइसिस के दो छोटे टेंपल के मैंने दर्शन किए, जो नाग देवता और गजानन महाराज के परम सेवक श्री नारायण जी महाराज और बाड़ाबाव महाराज जी का स्मारक मंदिर है। तो दोनों टेंपल के दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ संत श्री गजानन महाराज की समाधि के दर्शन के लिए, और यहाँ पे मैं श्री के दर्शन करता हूँ। अब टेंपल के अंदर समाधि का वीडियो तो नहीं निकाल सकता, उसके दर्शन के लिए आपको खुद यहाँ आना पड़ेगा। दर्शन करने के बाद टेंपल प्रीमाइसेस में बैठा ही होता हूँ कि कुछ लोग कीर्तन करने लग जाते, जिसका थोड़ा आनंद मैं भी ले ही लेता हूँ, जिससे मेरे दिमाग को बहुत शांति महसूस होती है। शेगांव के गजानन महाराज जी का टेंपल ट्रस्ट महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन का सबसे बड़ा ट्रस्ट है, जिसको विदर्भ का पंडरपुर भी कहा जाता है। निकलने के बाद अभी मैं आया हूँ महाप्रसाद की ओर, थोड़ा महाप्रसाद खाऊंगा और सीधा अपने घर निकल जाऊंगा। तो दर्शन और महाप्रसाद होने के बाद समय आ चुका है ये वीडियो यही समाप्त करने का। मिलते हैं नए वीडियो में नई जगह, तब तक के लिए बाय बाय।